खोपड़ी पे आलिया दुनिया ने अपने काम कर लिए, तुम सुसो के ना उठा जाता। 11 बजे का लगवाया ट्यूशन, वो में भी नहीं जाए जाता। मम्मी यार सुबह तुम न्यार करने को उठा जाओ, वो में मेरी कच्ची नींद टूट जावे, और जब कच्ची नींद टूट जा अरे तू भी बोल रहा यार, तू भी तो सो रहा हो। हाँ, जब हमारी कच्ची नींद टूट जावे फिर हमें ट्यूशन में नींद आवे। और मैडम तू कहवे कि जब तक नींद पूरी ना हो ना ट्यूशन नहीं आना जी बिल्कुल भी। एक रैपट में ना नींद पूरी हो जाएगी, एक तो लॉकडाउन के चक्कर में 2 साल से स्कूल और बंद हो गए, खुलने का नाम ही ना ले रहे, पता ना कैसे स्कूल है थारे। हाँ हाँ मम्मी बिल्कुल सही कह रही हो, कतई कबाड़ा स्कूल है, नाम कटवा दो हमारा। एक काम करो, कहीं ऐसे स्कूल में एडमिशन करवाओ जब मैं घर बैठ के कंप्यूटर पर पढ़ाई होती हो। अच्छा जी, तो मैं कंप्यूटर और दवा दूं, जासो तुम पूरे दिन गेमन में लगे रहो है ना, पढ़ाई लिखाई तो करनी ना तुम्हें। मम्मी पढ़ाई तो करनी है, पर हमें पहले पैसा तो खर्च करो, जब ही तो पढ़ेंगे। स्कूल की फीस तुम देती ना हो, ट्यूशन की फीस पिछले 6 महीने से ना गई, चेन टूटी पड़ी है, बस्ता फटा पड़ा, ऐसे बस्तान में पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई बस्तान चू होवे हैं, पढ़ने वाले रात में लालटेन जला के पढ़े करे, वे आज बड़े बड़े अफसर बने बैठे। आज पता पड़ी हमारे घर में लालटेन ना है, यही बार हमारा पढ़ाई में मन न लगता। अगर आज लालटेन होती ना तो पढ़ लिया होते हम। जरूरी है लालटेन, तुम दिन में ही पढ़ ले करो। तो वे दिन में क्यों ना पढ़े करे, वे दिन में भी पढ़े करे और रात में भी पढ़े करे। अच्छा दिन में भी रात में भी, इतना ना पढ़ा जाओ मम्मी हम पे तो ट्यूशन का 1 घंटा काटना भारी पड़ रहा। रे तुम दोनों मो मेरी कसम खा के नू बता दो, पढ़ोगे या ना? ये झूठे को भी ना कह रहे पढ़ने की, तुमने कसम दे रखी है, झूठ कैसे बोल देते, तुम मर जाती। अरे कहा है क्या सुअर सुअर के तरह बजार में चला किए। पापा जी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते, कितने बढ़िया बालक है मेरे, तब मैं देख कर दिल खुश हो जाऊंगा मेरा, और एक या बुढ़िया देख के सारा मूड खराब हो जा। एक काम कर रही हूँ, मैं अपने मायके चली जा रही हूँ, तभी रह लीजिए आराम से। वैसे मम्मी क्या साल को जाओगी? मैं ना जा रही कहीं भी, और तुम अब ट्यूशन को चले जाओ, ना तो तुम्हारे रोटी पानी बंद कर दूंगी मैं, जा यहां से। अरे मारा मत कर इन बालकन ने, तेरा छोटे बालक लग जाएगी। हाँ हाँ ये 150 किलो की बोरी, तुम्हें बालक दिख रहे। नितिन भाई यार मो पे सुबह सुबह उठ के रोज ना ट्यूशन ना जाया था, आफत दिखाई दे, कुछ ऐसा ना हो सकता जो मैडम ही हमारे घर आ जाए। करे हो सके है ना, कैसे मैडम आ जा करे घर ही, कैसे होम ट्यूशन लग जाएगा, मैडम यही आ जा करेगी। पैसा भाल तो लेगी ना? अरे पैसे वैसा कुछ ना लेती, बस बातचीत अच्छी होनी चाहिए। पूछ ले पापा से, पापा से पूछ ले। आजा यार जल्दी आजा, कहाँ पता लगवा दे, उठने की राल खत्म हो जाएगी, मैडम ही आ जाएगी फिर तो। 40 होगी थर्ड सफाई। अरे रुक जा कर लूंगा सफाई भी। नाली कौन साफ करेगा बाहर की, वो भी मैं ही करूँ अब। मम्मी ओ मम्मी मम्मी। हाँ बताओ कहाँ है, गैल रेडियो से चालू कर दो, मम्मी मम्मी मम्मी। पापा जी नमस्ते। पूरा नमस्ते होगी कचरी होगी, बोलते रहो पूरे दिन, बताओ कहाँ काम है? बस एक छोटा सा काम है पापा, मैं कह रहा हूँ हम पैदल पैदल ट्यूशन जावे तो हम गिर भी सके, हमारे मोच भी आ सके और एक्सीडेंट भी हो सके, और धूप में काले भी पड़ सके हैं पापा। अरे और कितना काला पड़ेगा, तू जेड ब्लैक, तू तो मुझे दिखता भी ना। वे आगे बताओ कहाँ गाँव में? मैं तो बस उन्हें कह रहा पापा, जैसे हम ट्यूशन जा रहे हैं ना, ऐसी ट्यूशन वाली मैंने हमारे घर आ जाती पढ़ाने तो बढ़िया रहता है। ऐसा भी हो सके? हाँ पापा होम ट्यूशन कह रहे वहाँ भाई, होम ट्यूशन तो बहुत बढ़िया रहेगा, थारे सारे हम भी सीख लेंगे, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। ट्यूशन के 400 रुपए तो दिए ना जाते, होम ट्यूशन लगवाएंगे, 20 बालक और आवे ट्यूशन में, उनके तो ना आती मौज। मम्मी यार तुम्हें कहते दया ना आती हम दोनों उनपे। दया छोड़ो, दवा ऐसी दूंगी शुद्ध हो जाओगे, जाओ यहाँ से। भाई तू आ यार, किन गरीबन के मुंह लग रहा तू। और ऐसा बेटा पूछ लो मैडम तू 100 रुपए लेगी होम ट्यूशन के। चुप नाली साफ कर लो तुम, आए हो होम ट्यूशन वाले, जाओ यहाँ। यार कोई बात नहीं मानता हमारी, मेरा मन लगता ट्यूशन उसन में, कोई पैसा कमाने का धंधा देख ले कोई बढ़िया सा। एक काम कर तू ओलम ट्रेड यूज करे कर, यहाँ तू अपने पैसा इन्वेस्ट भी कर सके और अपने प्रॉफिट भी कमा सके। ओलम ट्रेड यार पहले तेना बताई तेने ऐप के बारे में। भाई मो खुद अभी पता पड़ी है यूट्यूब पे एड देख के, यू ऐप 194 देशों में चल रहा, वो भी 2014 से। बहुत बढ़िया यार, पर मैं ऊपर ट्रेडिंग करनी ना आती। टेंशन मत ले बे, ये अपने नए यूजर ना 24 घंटा फुल सपोर्ट देवे, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा जाके डाउनलोड कर ले, 10K की जगह 100K मिलेंगे तेरे पहले डेमो अकाउंट पे, और मेरा कोड मृदुल यूज कर लेगा ना तो मिलेगा 30% बोनस और गिफ्ट भी तेरे पहले डिपॉजिट पे। चल ठीक है भाई, ज्यादा मैं अभी डाउनलोड कर लूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। भाई पैसा कमा लियो, पर चल यार मम्मी ने कही है। चल ठीक है मस्तानी, चल ले आजा आजा। यार मस्तानी तो बुराई ले रहे हैं। हाँ ट्यूशन में एक तो दोस्त होना चाहिए। मस्तानी
ओ मस्तानी मस्तू। हाँ ये बताओ कहाँ है को? इधर ट्यूशन ना चल रहा तू? ट्यूशन? हम नहीं जाए ट्यूशन। क्यों? हमने मैडम की 2 साल से फीस जमा नहीं करी, अब जाए तो फीस मांगे और मारे हैं और हमका पिटवे के ले जाए हैं। तो हम अकेले क्या करेंगे जाके ट्यूशन में? अरे भैया हम नहीं जाए यार ट्यूशन, हमारे पास तो किताबों नहीं है। क्यों कहाँ गई तेरी किताब? अरे भैया बाद में अमरूद बेचने वालों आओ, हमने किताबें दे के 1.5 किलो अमरूद खरीद ले, किताबें चली गई कबाड़े में। एक चीज बता, किताब मिली तो अमरूद खाने को? अरे चल रहा ना, चल रहा ट्यूशन को। भैया हमारे घर पनीर की सब्जी बन रही, हम ट्यूशन छोड़ दिए सब्जी नहीं छोड़ सकते यार। तो बाद में खा लियो सब्जी, तब तक खत्म नहीं हो जाए भैया। चलो ना चलो। भैया हम जाए नहीं पे, हमारे पैर में चोट लग गई यार। अभी ठीक करवा दूंगा तेरे दर्द। भैया मैं दस्तक लग रहे। पापा हमारे पनीर की सब्जी बचा के रखी है, हमें भैया हला रहे। मैडम जी मेरा झोला फट गया, कॉपी गिर गई कहीं। अच्छा और मृदुल तुम क्यों छुप रहे हो, तुम्हारी कॉपी कहाँ है? मैडम जी मेरी कॉपी भी आई झोला में, वो भी गिर गई। तो तुम दोनों क्यों नहीं गिर जाते कहीं किसी गड्ढे में? इतना बड़ा गड्ढा ही ना आज ही कहीं। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों ये करने क्या आते हो? पढ़ाई। तुम्हारे हुलिये से साफ पता चल रहा है कितनी पढ़ाई करने आते हो तुम यहाँ। और ये टाई क्यों लगा रखी है, स्कूल में तो कभी नहीं लगाई। मैडम आदत कह रहा हूँ टाई लगाने की, आज ट्यूशन में लगा के आऊंगा, जब भी तो कल स्कूल में लगा के जाऊंगा। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। आकांक्षा। यस मैम। आपका काम कंप्लीट है? यस मैम। दिखाओ ये लो। रिया काम कंप्लीट है? नो मैम। हाँ होगा भी कैसे, फैशन से फुर्सत हो तब ना। वैसे एक बात बताओ, ट्यूशन में इतना तैयार हो के आने की क्या जरूरत है? हाँ जी मैडम मैंने भी आज यूं ही कही, हमारी तरह है कर ऐसे कच्चा में। बताओ भी कच्चे वाले, चुपचाप नीचे बैठ जाओ। हाँ बेटा तू काम करके लाई है? यस मैम। देख लो कुछ इससे, कितनी अच्छी लड़की है, हमेशा इसका काम कंप्लीट रहता है। ले बेटा। परी काम करके लायो? हाँ जी मैडम मेरा भी कंप्लीट है। लड़कियों का तो पूरा है, अब ये बच रहे हैं। मस्तानी कॉपी लायो? ना मैडम जी। क्यों? कॉपी तो हमने बेच दी। बेच दी? क्यों बेच दी? गली में अमरूद बिच रहे थे, रद्दी था तो हमने अमरूद लेके खाए ले। तेरे तले रैपट मारूंगी ना, तेरी शिकल में अमरूद जैसी बढ़ा दूंगी, रद्दी है ये। और बिना कॉपी के यहाँ करने क्या आया? मैडम जी हम कहाँ आए रहे थे, हमें तो जेल भाई ले आए हैं। नीचे बैठ। कॉपी किताब को रद्दी समझ रहा है, और तुम सब हर बात पे खीखी खीखी कैसे करो। हाँ पीछे तीनों अपनी कॉपी चेक कराओ। नितिन भाई ये लौंडिया के नाखून कितने बड़े हैं, अगर ये मोसू पट गई ना तो यहाँ से अपनी पीठ खुजवाया करूंगा। और भाई मूव सेटिंग होगी ना कि यासू ना मट्टी उठवा लूंगा मैं। पेंदे पेंदे। अरे कॉपी दे। कविता याद है मैडम जी? सुना फिर।
दूध सी सफेदी निरमा से आई, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। ओ निरमा की फैक्ट्री, कविता ही है, हैं? मैडम जी एक और याद है, सुना फिर। तुम होशन परी तुम जाने जा, तुम सबसे हसी तुम सबसे जवा, सौंदर्य साबुन निरमा, सौंदर्य साबुन निरमा। तुझे वही निरमा में डाल के ऐसा धरूंगी ना सुधर जाएगा। नीचे बैठ, आया यार ट्यूशन पढ़ने, तो का पहाड़ा तक याद नहीं है। नितिन तसु कही ना कल गाय पे निबंध लिखने को, लिख के लाया। ओ मैडम जी कैसी बात कर रही हो, तुम्हारी कसम कल घेर में गया मैं और गाय से मैंने पूछी भी कि भाई तो पर निबंध लिख लूं, वो कुछ बोली ना, मैंने सोची कि लिख ले कह रही थी क्या, जैसी मैंने वहां पेन चलाया वहां मेरे ऐसी लात मारी कि टांग तोड़ दी, शाम को उठा कर गई मम्मी और लड़की के दूध न दे रही अभी, पता ना मैडम जी कैसे काम देती रहो तुम भी, टांग तोड़वा दी मेरी। बेटा मुझे तुम दोनों उनको देख के नू लगे कि कोई इतना गवार कैसे हो सके। नीचे बैठ। हाँ खटका दू खड़ा हो, कल कुछ याद करने को दिया, याद करके आया? हाँ मैडम जी मुझे सब याद है। चल तो नू बता प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। मैडम जी एक बात बताऊँ, मुझसे लड़ाई झगड़े की बात मत करे करो, मेरे घर के ने क्लियर मैंने कर रखी कहीं लड़ाई दंगा में पढ़ने की जरूरत ना हो, यही मार मैं ट्यूशन से घर जाऊँ घर से ट्यूशन आऊँ, और ऐसी बात तुम करती रहोगी तो मैं कल से ट्यूशन और ना आऊंगा। फिर तू एहसान किसे दिखा रहा है, तेरी पिछले 6 महीना की फीस भी जमाना है, मत आइयो कोई जरूरत ना है तेरे जैसे स्टूडेंट की। मैडम जी बहुत देर होगी पढ़ते पढ़ते, एक काम करो चाय वाय बनवा लो हमको। अरे ओ बकरा, 1 घंटे का ट्यूशन है वहाँ मैं भी ना बैठा जा रहा शांति सु, 10 मिनट में छुट्टी हो जाएगी, घर जाके भर लीजो, इतना बूढ़ा होगा ABCD भी याद है तुझे। मैडम जी याद है, सुना फिर ABCD। और सुना, और सब बढ़िया, तुम सुनाओ। भैया मो माफ कर दो, कल से तुम्हें ट्यूशन आने की कोई जरूरत ना है। अरे 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 हुआ कहा है। मैडम जी मो लग रहा है लौंडिया ने पात दिया। बदतमीज तुम्हें कैसे पता लड़की है। मैडम जी मो अपने सारे लौंडिया की खुशबू बताओ, यू का लौंडिया की है। मैम ये क्या बदतमीजी है, हम जब भी यहाँ पर आते हैं हमें ऐसी परेशान करते हैं, मुझे नहीं पढ़ना है ट्यूशन, मैं तो जा रही हूँ, चलो। भैया हमें लग रहा जहीन पा दो तभी जब बच गई। एक तो तुम पढ़ते नहीं, ऊपर से फीस नहीं देते, और जो बालक पढ़ते हैं फीस देते हैं उन्हें तुम भगा दो है? मैं बताऊंगी तुम्हें। सबसे बढ़िया डायलॉग कौन सा लगा, कविता कौन सी अच्छी लगी, तो जिससे हमें पता चलेगा कि आपको क्या क्या पसंद आ रहा है आजकल। बाकी आप रजिस्टर कर सकते हो ओलिमिटेड ऐप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जहां आपको 10 के जगह मिलेंगे 100 के आपके पहले डेमो अकाउंट पे, और अगर आप हमारा कोड मृदुल यूज कर लोगे तो आपको मिलेगा 30% बोनस और गिफ्ट भी आपके पहले डिपॉजिट पे। बाकी हमारे ट्यूशन में एडमिशन चालू हो गया है, किसी को करवाना है लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा, हमारे इंस्टाग्राम को फटाफट बोलो, ठीक है जी, तब तक अपना ध्यान रखो, राम 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 राम।